जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सैफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल। और आज हम बात करेंगे यूपी में दौड़ेगी देश की पहली पॉन टैक्सी। हाँ दोस्तों, जिस प्रकार हम आपको इमेज के माध्यम से दिखा रहे हैं, अभी तक आपने पॉन टैक्सी का नाम सुना होगा या आपने फिल्मों में आपने देखा होगा, या आप अगर आप विदेश में कहीं घूमने गए हो तो आपने पॉन टैक्सी का आनंद जरूर लिया होगा। लेकिन अब ये भारत के अंदर भी इस पॉन टैक्सी का निर्माण होने जा रहा है। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि आपके फिल्म सिटी जो नोएडा के अंदर निर्माण हो रहा है और नोएडा एयरपोर्ट तक इस पॉन टैक्सी का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी में दौड़ेगी देश की पहली पॉन टैक्सी, रूट और खासियत के साथ जाने कितना आएगा खर्च। हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि इस जो पॉन टैक्सी है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इसी को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को लागू कर दिया गया है और इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बनने जा रही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली पॉन टैक्सी नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलेगी। दोस्तों येडा सिटी में चलने वाली इस पॉन टैक्सी के लिए यमुना एक्सप्रेसवे उद्योग प्राधिकरण ने डीपीआर बनने का काम भारत सरकार को सौंप दिया गया है। दोस्तों संस्था इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपे कॉर्पोरेशन को सौंपी है देश की पहली पॉन टैक्सी नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलेगी। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने के साथ ही यह टैग पर दौड़ने लगेगी। फिल्म सिटी से नोएडा एयरपोर्ट के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी को देखते हुए इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपो कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक 14 किलोमीटर का ये इसका निर्माण किया जाएगा। और इस ड्राइव लेस पॉन टैक्सी के लिए मंगलवार को फाइनल डीपीआर यमुना अथॉरिटी में पेश कर दिया है। येडा के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया है कि इस डीपीआर को अब येडा के बोर्ड के सामने रखा जाएगा, वहां में मंजूरी मिलने के बाद इसको सरकार को भेज दिया जाएगा। हाँ दोस्तों इसको सरकार की मंजूरी मिलते ही इस जो पॉन टैक्सी का, जिस प्रकार मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूं, देखो आप इस प्रकार से ये एक विदेश की जो पॉन टैक्सी है और नीचे आपका जो रैपिड रेल है या मेट्रो है, उस प्रकार से उसके ऊपर ही इसका निर्माण किया जाएगा, जो कि नोएडा एयरपोर्ट और आपकी फिल्म सिटी तक इसका निर्माण किया जाएगा और ये इस प्रकार से होगी। तो आपको मैं दिखा रहा हूं इस प्रकार से इसका। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी की दूरी करीब 5.5 किलोमीटर है। इसका उपयोगिता बढ़ाने के लिए इसको येडा के सेक्टरों में भी इसका ट्रैक ले जाने का सुझाव डीपीआर में दिया गया है। और येडा के सेक्टर 21, अब हम बात करते हैं कि नोएडा का जो सेक्टर है उसमें कौन कौन से सेक्टर से होकर जाएगा। 21, 28, 29, 32 व 33 होते हुए नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलेगी यह पॉन टैक्सी। इसका हर सेक्टर में ठहराव निर्धारित किया गया है ताकि दुनिया के किसी भी कोने से नोएडा एयरपोर्ट आने वाले किसी भी सेक्टर में अपने हिसाब से उतर सकते हैं। हाँ दोस्तों नोएडा में उतरने, मैं आपको बता दूं दुनिया भर के पर्यटकों को रिझाएगा नोएडा। हाँ दोस्तों इस पॉन टैक्सी का निर्माण होने के बाद में दुनिया के जितने भी लोग घूमने वाले हैं, ये जब इस पॉन टैक्सी का निर्माण हो जाएगा तो दुनिया से दूर दूर से इस का लुफ उठाने के लिए लोग आएंगे। को जो कंपनी को सौंपा गया है इसके निर्माण की जानकारी
ग्लोबल टेंडर के जरिए फाइनल हुई कंपनी। हाँ दोस्तों, जो ग्लोबल टेंडर है वो विदेश की कंपनी ने इस जो प्रोजेक्ट है आपका इसको फाइनल कर दिया गया है और इसका जो निर्माण है, इसकी जो डीपीआर है और जो इसका स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जा रहा है। जिस प्रकार मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से ये पॉन्ट टैक्सी का निर्माण। एक नई बात और मैं आपको बता देता हूँ, यमुना एक्सप्रेसवे के साथ बनेगी 60 मीटर रोड। हाँ दोस्तों, जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसके साथ आपके 60 मीटर रोड बनाई जाएगी। उसका भी बेनिफिट ये होगा कि जिस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपकी पोल टैक्सी यमुना एक्सप्रेसवे के निकट निकट भी होकर जाएगी। ये प्रस्ताव देश के अंदर कितने लोग इसके अंदर सवारी कर पाएंगे, कितने लोग इस पोल टैक्सी का लुफ्त उठा पाएंगे। दोस्तों 8000 लोग रोज करेंगे पोन टैक्सी की सवारी। हाँ दोस्तों अगर आपको पोन टैक्सी का निर्माण होते ही अगर लुफ्त उठाना चाहते हैं तो आप नवेडा जाइए और इस प्रकार से आप इस पोन टैक्सी का लुफ्त ने प्रोजेक्ट के माध्यम से हम आप लोगों को नई नई अपडेट देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।